एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 10 दिन के बारे में। देखिए, लास्ट का टाइम बचा है। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब दिन रात एक करने में लगे होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पूरे साल पढ़े होंगे पर एंड टाइम पे आके उनका कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाइफ में आ रहा होगा, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा होगा, बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जा रहा होगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो लास्ट में एकदम 10 दिन में आ गए हैं, और या तो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं या फिर जो अपना प्रेशर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन दोनों से बिलोंग करती है। मैं उन दोनों से बात करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। ज़्यादा टाइम लेने का कोई भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। देखिए, क्योंकि जो मेन टॉपिक है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, फालतू की बात को साइड में रखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पॉइंट आउट की हैं, मैंने जो मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने लिया है। देखिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूँगा सिर्फ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपको क्या अपने सब्जेक्ट का करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज के टाइम पे मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो है मॉक टेस्ट। कोई ना कोई मॉक टेस्ट खरीद लीजिए। अभी नहीं खरीदा तो ग्रेड अप है, टेस्ट बुक है, एसएससी ट्यूब है, बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो आप खरीद लीजिए। देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदते हैं और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर भी सिर्फ इसलिए बना है बिकॉज क्योंकि वो नेट में प्रैक्टिस करता है, ठीक है। वो खेलता है, पहले प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो जाता है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस ध्यान रखिए कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लास्ट के लगभग 10 दिन बचे, तो मैं 10 दिन में मिनिमम 20 मॉक टेस्ट तो दे दीजिए, मतलब डेली के 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए। और देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्रेड अप पे 197 का एक आ रहा है आपका, ठीक है, 199 या 197 के आसपास, उसमें 20 या 21 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो उसको खरीद लीजिए, उसको लगाइए, ठीक है। या फिर टेस्ट बुक का खरीद लीजिए, एसएससी ट्यूब का खरीद लीजिए, पर करिए, उसको मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। अपनी कमियां भी आपको पता चलेंगी। देखिए, मेरा एक पॉइंट ये भी है कि फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल दूं तो विराट कोहली क्या था, वो जब मिड विकेट में खेलता था, बॉल बाहर जा रही होती थी, वो आउट होता था, वो उसकी एक वीक पॉइंट था उसका, सारे बॉलर्स को पता लग गया था। उसने क्या किया, उसने अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज करा और प्रैक्टिस की और अपने वीक पॉइंट को दूर करा। तो उसे सबसे मेन चीज़, उसे पता कब चला, उसे पता तब चला जब उसने, जब तक कोई चीज़ को फेस ही नहीं किया, जब तक उसने फेस किया तब उसको पता चला। अगर वो फेस नहीं करता बॉलिंग्स को तो उसे पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वीक पॉइंट है क्या। इसलिए वीक पॉइंट को अगर पता करना है, देखिए एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि अगर हमें अपनी कमियाँ पता है या हमें किसी क्वेश्चन का ये पता लग गया कि उस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि अगर आपको अपनी कमी पता है कि आपकी कमी क्या है, तो आपने 50% अपनी कमी वैसे ही दूर कर दी, ठीक है। तो अब वो 50% हमें पता कैसे चलेगी, वो 50% हमें पता चलेगी जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाइए। सेकंड है आपका, डोंट ट्राई टू डू न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए, न्यू कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये टाइम नहीं है कि आप अपना न्यू कॉन्सेप्ट में टाइम दें। देखिए, न्यू कॉन्सेप्ट आपको कम से कम आधा दिन ले जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठेंगे तो 3-4 घंटे उसको लग जाएंगे, और इतना वक्त नहीं है आपके पास कि आप एक किसी न्यू कॉन्सेप्ट को करें, मैथ के या किसी भी एक नए कॉन्सेप्ट को करें। इस वक्त जो मेन फोकस आपका होना चाहिए ना, वो सिर्फ उन चीज़ों को पक्का करिए जो आपको आती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको टाइम एंड वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब आपको आता है, तो टाइम एंड वर्क अपना पक्का कीजिए कि अगर आप क्वेश्चन आए तो उसमें से छूटे नहीं। ऐसा मत करिए कि आपको जो कभी आपने पढ़ा नहीं आप उसको पढ़ रहे हैं और जो आता हुआ है उसको भी भूल जाएं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट से बिल्कुल दूर रहिए। थर्ड है आपका,
फोकस ऑन वन लाइनर। देखिए वन लाइनर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस वक्त क्या है आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही कहें तो ब्रीफ में चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं करनी कि आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए लास्ट के 10 दिन में, या पूरी आप लूसेंट पढ़ने बैठ रहे हैं, उनसे दूर रहिए, वो आपको और बुरा इफेक्ट डालेंगी। इस वक्त आपको क्या है, बस देखिए जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, एक प्रतियोगिता वाली छोटी सी बुक आती है, लगभग 40 रुपये की बुक आती है, लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर देती है, उसको करिए, ठीक है, उसको पढ़िए, वो आपको रहेगी। वो हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में आती नहीं है, तो अगर कोई हिंदी वाला भी है, कोई इंग्लिश वाला भी, उसे खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, नहीं तो ऑनलाइन से आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, उसको पढ़िए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी MCQs की, उनको करिए, ठीक है, या फिर कई सारी आपको PDF भी मिल जाएंगी जहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी हड़प्पा सभ्यता की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने टोटल 74 जो MCQs थे हड़प्पा से जुड़े हुए, मैं वो मैंने आपको कराए थे, ठीक है। और भी कई सारी पहले मैं प्रीवियस वीडियोस डाल चुका हूँ MCQs के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आगे भी डालता रहूँगा, आज भी मैं एक वीडियो डालूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। साथ ही साथ आपको वन लाइनर करने हैं। देखिए आप जब जाएंगे तो आपको ग्रेड अप पे या सब जगह वन लाइनर मिल जाएंगे, जो क्या सिर्फ MCQs की फॉर्म में होंगे, आपको क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो बस वो करने। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं सॉरी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसकी डिटेल पढ़ लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि वॉच एंड रीड ओनली MCQs। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको MCQs की फॉर्म में पढ़िए। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन या सीधे आंसर नहीं, उसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए, मतलब उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? अगर जब तक आपको 4 फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिलेंगे ना, आपको दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। आपने सीधे पता थ्योरी सी पढ़ ली कि यार ये क्या होता है, हमने सीधे आंसर लिख दिया ये होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होने चाहिए, कि जब तक 4 ऑप्शन नहीं आएंगे फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी डिटेल पढ़ रहे हैं, उसको MCQs की फॉर्म में पढ़िए, उसमें 4 ऑप्शन होने ही चाहिए, ठीक है। जब आपको 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि यार कौन सा ऑप्शन गलत था, ठीक है। अगर आपको ये भी याद नहीं रहा ना कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ये जरूर याद रहे कौन सा ऑप्शन गलत था, कौन सा नहीं है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो भी आपको पढ़ना है वो सिर्फ MCQs की फॉर्म में पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पहले 1.25 घंटा हुआ करता था, ठीक है, जो बहुत इनफ था, मैं एक बार को कहूँगा बहुत सही था, पर अब क्या है सिर्फ 1 घंटा, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा आपके पास। अब ये 1 घंटे में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए इस 1 घंटे में मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आप पहले 15 मिनट में उस चीज़ को ख़त्म, देखिए आपका माइंड फ्रेश होगा, सब कुछ होगा, पहले 15 मिनट में उसको ख़त्म करिए जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको पहले ही 15 मिनट में जनरल नॉलेज और साथ ही साथ इंग्लिश, ये पहले 15 या 10 मिनट में जितनी जल्दी उसे उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन रह जाते हैं, जो अटक रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, पर लगभग आपका जो 70% है वो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। देखिए जनरल नॉलेज में तो जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता नहीं आता, उनको करिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में जो आता है उसे करिए, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। पहले 15 मिनट में इसको ख़त्म कर दीजिए। आपके बाद अब बचते हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में से आपको देखिए 20 मिनट्स और 25 मिनट्स आपको उनमें देने हैं। कोशिश करिए 15 मिनट, 20 मिनट भी हों तो 20 मिनट में आप उन दो को ख़त्म कर दीजिए। देखिए 20 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट आपके इंग्लिश के, 10 मिनट जनरल नॉलेज के, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद क्या करना है आपको, आने वाले 40 मिनट में आपको 20-20 मिनट में कोशिश करिए 25 और मैं कहूँगा 25 मिनट या 15 मिनट ले लीजिए या 20-20 मिनट ले लीजिए। आपको आने वाले 40 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग करनी है, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करिए, मैं तो कहूँगा कि 15 मिनट से पहले ही आप अपना जनरल नॉलेज और रीजनिंग ख़त्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट, मतलब अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट, देखिए मैं मुझे को क्या लगता है कि दूसरे के टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ना दूसरा ही बंदा निकाल सकता है। अब आपको कोई मैं जैसे एग्जांपल दूं तो आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग टाइम मैनेजमेंट मिलता है कि ऐसे टाइम होना चाहिए, पहले इसको सॉल्व करना चाहिए, पहले उसको सॉल्व करना चाहिए, पहले मैथ करनी चाहिए, पहले इंग्लिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो उसको सुटेबल लगे, जो आपको सुटेबल लग रहा आप वो करिए, ठीक है, पर करिए। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको पता कैसे चलेगा? देखिए मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से बैठाने की कोशिश करिए कि आपके पास एक्स्ट्रा 5 मिनट बच जाए, ठीक है। आपने एक दिन क्या हुआ, पहले मॉक टेस्ट में आपने जनरल नॉलेज से स्टार्ट किया, इंग्लिश पहले करा, फिर बाद में मैथ करा, फिर रीजनिंग करा, नहीं बन पाया हिसाब आपका, तो फिर क्या करिए, पहले रीजनिंग करिए, फिर आपको मैथ करिए, फिर इंग्लिश करिए, फिर जनरल नॉलेज करिए, नहीं बन पाता हिसाब,
ठीक है, तो मतलब चेंजेस ला के देखिए, तो जो आपको सबसे अच्छा सुटेबल पैटर्न लगता है ना अपने टाइम मैनेजमेंट का, उसको फॉलो करिए, ठीक है, ये सबसे बेनिफिट चीज़ रहेगी आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपनी कमियों पे फोकस करिए, क्योंकि कमियों पे फोकस करने का मतलब हमारी कमी वैसे ही ख़त्म हो गई। अगर हमें अपनी कमी पता है ना तो हमारी कमी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी कमियों को फोकस करिए। अब आपको क्या करना है, देखिए मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए हर पॉइंट में मॉक टेस्ट आया, आपको ये याद रखना है हर पॉइंट में मॉक टेस्ट आ रहा है। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो क्या आपको फोकस करना है अपने मॉक टेस्ट पे, ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपने कर लिया, उस पेपर को एनालिसिस करिए, ये देखिए कि आपने कहाँ गलती करी, या फिर आप ये भी देखिए कि आपने क्वेश्चन तो सही करा पर कहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगा दें, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप 40 सेकेंड लगा रहे हैं, तो वो देखिए ना कि किस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, या 1 मिनट भी लग रहा है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में 1 मिनट लग रहा है, तो उस पर फोकस करिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को टाइम और कम टाइम में कर सकता हूँ। अगर आप और कम टाइम में कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपके लिए टाइम बचेगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्लस मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ उसको ठीक करिए, प्लस मैं कहाँ टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ उसको ठीक करिए, और प्लस कहाँ मैं अटक रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये मुझे आता ही नहीं है, गलती करने की दूर की बात है, मुझे आता ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। देखो जो आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं है जिस क्वेश्चन के बारे में, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत टाइम दीजिएगा, सिर्फ उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए जहाँ पर आपने मिस्टेक की है, या फिर आपने जहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है, सिर्फ उन चीज़ पर फोकस करिए, ठीक है। तो देखिए ये एक पूरा टॉपिक्स था जो मुझे लगना चाहिए आपको आने वाले 10 दिन में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आने वाले 10 दिन में ये सारी चीज़ें करते हैं तो बेनिफिट या मेरी गारंटी है कि आपको 15 से 20 नंबर का इजाफा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो देखिए मेरे चैनल पे है ही, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरा मेल आईडी है yourssimindset@gmail.com, आप उस पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक थम्सअप दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।